बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम एक्सोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सो मीन बाहर और स्केलेटन मतलब ढांचा। ये ऐसे एनिमल हैं जिसमें बॉडी के इंटरनल साइड की बजाय बॉडी के एक्सटर्नल साइड पे जो स्किन की तह है वही एज आ स्केलेटन के तौर पर वर्क करती है। ये वो वाले एनिमल हैं जिनकी आउटर सरफेस इतनी हार्डन होती है कि ये जो मसल हैं इसके ये इसके साथ अटैच हो सकती हैं। यानी स्केलेटन दो तीन काम करता है। एक हमारी बॉडी को सपोर्ट भी देता है, दूसरा ये हमारी बॉडी को शेप भी देता है, और साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर मसल की अटैचमेंट के लिए भी। जैसे बहुत सारे मसल हमारी बॉडी में ऐसे हैं जो हमारे हड्डियों के साथ जुड़े होती हैं, इसी तरह इन एनिमल के जो मसल्स हैं ये इसी जो एक्सोस्केलेटन इसके साथ अटैच्ड होती हैं। यह आमतौर पर जो एक्सोस्केलेटन होता है वो इनर्ट होता है, यानी नॉन रिएक्टिव होता है, नॉन लिविंग होता है, और ये वैक्सी यानी लिपिड और प्रोटीन के मिक्सचर का बना होता है। इम्परमीएबल वाटर होता है, यानी वाटर इसके अंदर से गुजर नहीं सकता, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली जो छोटे जानवर हैं और इसके अलावा इंसेक्ट के लिए ये बैरियर का काम करता है, यानी उनको जो बॉडी के अंदर से एंटर नहीं होने देता। ये एक्सोस्केलेटन का वर्क है। इसकी बॉडी में क्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल मौजूद होती है। ये क्यूटिकल जो प्रोक्यूटिकल है वो क्यूटिकल के नीचे होती है। ये काइटिन की बनी होती है, टफ होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, और बहुत सारी टाइप की प्रोटीन भी इसमें मौजूद होती है। स्पेशली ये काइटिन की वजह से बड़ी हार्ड होती है, और इसके अलावा ये कैल्शियम कार्बोनेट इसकी वजह से भी हार्ड होती है। नीचे दो केमिकल ऐसे हैं जिसकी वजह से इसको हार्डनेस मिलती है, ये सख्ती फ्राहम करती हैं। जैसे एग्जांपल है जी शैला मोलस्का की जो शैल होती हैं वो एक या दो पीसीस पर मुश्तमिल होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ शैल एक पीस पर मुश्तमिल हैं, और कुछ जो है ना वो ऐसे भी शैल हैं जो दो पीसीस पर मुश्तमिल हैं। ये शैल भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं जिसकी वजह से ये हार्ड होती हैं। जैसे लैंड स्नेल है, इसको अगर हम देखें तो इसमें भी इसके अंदर हार्ड मिनरल की कमी होती है। ये मिनरल के कम होती है और इसी वजह से ये बड़े लाइटर होती हैं। छोटा सा एनिमल है जो कि इस शैल को बड़ी आसानी से उठा सकता है। इसकी बॉडी के अंदर ग्रोथ रिंग देखे जा सकते हैं। ये जो आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं ना, ऐसे रिंग बने हुए हैं, ये ग्रोथ रिंग है। जैसे जैसे एनिमल बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ये जो होल है ये भी बड़ा होता जाता है, और इसके ऊपर एक रिंग जो है ना वो बनती जाती है, इसको ग्रोथ रिंग बोलते हैं। और जो इसके अंदर बॉडी है, ये वाली बॉडी जो सॉफ्ट बॉडी है, इसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन मौजूद होता है, यानी इसके अंदर वाटर बॉडी के अंदर स्टोर होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टेटिक फोर्स मिलती है इसको, यानी इसको सपोर्ट मिलती है। इसके अलावा आर्थ्रोपोड्स हैं। आर्थ्रोपोड के अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर रिजिज और बार यानी कुछ उबार बने होती हैं ऐसे, इसकी जो है ना वो क्यूटिकल अंदर वाली साइड से इस तरह की होती है जिसके साथ मसल अटैच होती हैं। उसके अलावा इसके अंदर एक अडाप्टेशन है, जॉइंट फॉर्मेशन, जोड़ बने होते हैं। ये जोड़ बड़े थिन, सॉफ्ट और फ्लेक्सीबल होती हैं जिसकी वजह से बड़ी इजीली मूव कर सकती हैं। इसके अलावा एक और इसके अंदर अडाप्टेशन है कि इसकी बॉडी के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद होती हैं, रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिसको हम सेंसिला बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये एंटीने इसके, जिसको एज अ केमिकल कम्युनिकेशन के लिए ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसकी बॉडी के अंदर लेंस मौजूद होते हैं, ब्रिस्टल्स, कुछ हेयर्स मौजूद होती हैं जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी के अंदर जो है ना वो कम्युनिकेशन का काम करती हैं। इसके अलावा ये एनिमीज से जो एक्सोस्केलेटन है ये एनिमीज से प्रोटेक्शन का काम भी करती है, और इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम ड्राइंग के, खुश्क होने से भी इसको बचाती है। इसके अलावा अगर हम मोल्टिंग की बात करें तो इसकी जो स्किन होती है वो क्योंकि क्यूटिकल की बनी होती है, क्यूटिकल की स्किन बनने की वजह से ये फैल नहीं सकती। इसकी जो स्किन है ना वो फैल नहीं सकती, जितनी स्किन है उतनी ही रहेगी। इसके लिए ये प्रॉब्लम है कि फिर जब इस एनिमल ने बड़ा होना तो होता है तो फिर ये स्किन जो है
वो लार्जर साइज़ की रिक्वायर्ड होती है, जो कि प्रैक्टिकली इसको पहले वाली स्किन को शेड करना पड़ता है और नई स्किन इसकी जहाँ रिप्लेस करनी पड़ती है जो पहले के साइज़ की नस्बत बड़ी होती है। ये चार स्टेजेस में ये काम करता है। पहले स्टेज में ये इसके जो हाइपोडर्मल ग्लैंड है वो एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही एंडोक्यूटिकल यानी इस ये वाली जो तह है ना उसको ये डाइजेस्ट कर लेंगे, यानी ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। जैसे ये ख़त्म होगी तो जो एक्सोस्केलेटन है यानी ये वाला जो पार्ट है, चलिए मैं कलर चेंज करता हूँ, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से ऊपर ये अलग हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इसी एंडोक्यूटिकल की वजह से जुड़ा हुआ था। यहाँ पे ये जो एंडोक्यूटिकल है, एंडोक्यूटिकल जब यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। यानी पहले पार्ट में उसकी एक्सोस्केलेटन अलग हो जाती है, दूसरे पार्ट में कुछ जो ना वो न्यू प्रोक्यूटिकल प्रोड्यूस होती है और एपिक्यूटिकल ये दोनों नहीं बनती हैं। यानी ये दोनों देखिए यहाँ पे नहीं बन रही हैं, ये एपिक्यूटिकल भी और प्रोक्यूटिकल भी, या जिसको एक्सोक्यूटिकल भी हम कह सकते हैं, ये दोनों नहीं बनती हैं। फिर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं तीसरे स्टेप में, जो कि एक्सोस्केलेटन को जो पुरानी वाली है इसको स्प्लिट कर देती हैं, तोड़ देती हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद जो नहीं बनी है एक्सोस्केलेटन वो हार्ड होना शुरू हो जाएगी ये वाली, और आर्थ्रोपोड जब ये स्किन उतार चुके होंगे ना और इसके हार्ड होने से पहले यानी इसके हार्ड होने से पहले और इसके उतारने से पहले के बाद, जब जो दुरानिया होता है ना वो दुरानिया इसके लिए बड़ा ससेप्टिबल होता है, इसको कोई भी जो प्रेडेटर है वो बड़ी आसानी से खा सकता है, इसलिए ये छुपे रहते हैं जब तक नई एक्सोस्केलेटन हार्ड नहीं होती। तो इस सारे अमल को नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है हार्मोन के ज़रिए।